हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं DJI Osmo पॉकेट का। इस डिवाइस को मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूं और यूज़ करने के बाद इस डिवाइस के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, इस डिवाइस का क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या ये डिवाइस एक DSLR कैमरा को रिप्लेस कर सकता है, या फिर क्या इस डिवाइस को यूज़ करके आप सिनेमेटिक वीडियोस या फिर सिनेमेटिक मूवीज़ बना सकते हो, ऐसे काफ़ी सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और मैं श्योर हूं कि इस वीडियो के एंड पे आप डिसीजन ले पाओगे कि क्या इस डिवाइस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक अलग डिवाइस आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले इस डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। ये डिवाइस ऐसे केस के साथ आता है। इस केस का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है। इस तरह से आप डिवाइस को डाल के इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो, बैग में कैरी कर सकते हो। ये केस डिवाइस को फुल्ली प्रोटेक्टेड रखता है। डिवाइस का साइज काफ़ी छोटा है, आप मेरे हाथ के कंपेरिजन में देख सकते हैं। सामने की तरफ इस डिवाइस में आपको एक छोटा सा स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो कैमरा का लाइव व्यू आपको दिखाता है। ये स्क्रीन टच स्क्रीन है जहां से आप डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको DJI का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको एक LED इंडिकेटर एंड एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है और उसी के साथ दो फिजिकल बटन्स भी आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको एक माइक्रोफोन मिल जाता है और एक पोर्ट मिलता है जहां से आप डिवाइस को चार्ज कर सकते हो या फिर डाटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइक्रो SD स्लॉट मिल जाता है जिसमें कोई कवर नहीं है। पीछे की तरफ आपको DJI का ब्रांडिंग मिलता है। ओवरऑल डिवाइस का जो क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम है, मैट फिनिश है बिल्कुल। ऊपर की तरफ आपको मेन कैमरा यूनिट देखने को मिल जाता है जो कि 12 मेगापिक्सल का है और जो गिम्बल अरेंजमेंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस डिवाइस को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए ऐसे दो एडाप्टर मिलते हैं, एक आईफोन के लिए एंड दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। सबसे पहले मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है DJI मेमो, जो कि प्ले स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके बाद इस अडेप्टर को डिवाइस के साथ इस तरह से कनेक्ट करना होगा एंड उसके बाद जब डिवाइस को आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करोगे तो इस डिवाइस का सारे फंक्शनलिटी और स्क्रीन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई देगा एंड उसके बाद इस डिवाइस के सारे फंक्शंस आप DJI मेमो ऐप के थ्रू बहुत ही कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हो काफी क्विक रेस्पॉन्स टाइम है, विद इन 3 to 5 seconds ये डिवाइस यूज करने लायक हो जाता है, जिसके कारण इस डिवाइस को आप कहीं भी किसी भी जगह यूज कर सकते हो अपने फेवरेट मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए। मेन स्क्रीन में आपको सबसे कोने में मोड देखने को मिलता है, मतलब ये फोटो मोड में, वीडियो मोड में, टाइम लैप्स कौन से मोड में अभी है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको बैटरी का स्टेटस एंड मेमोरी कार्ड का स्टेटस देखने को मिलेगा। एक स्लाइडर मिल जाता है जिसके मदद से आप कैमरे को अप एंड डाउन मूव करा सकते हो। इस डिवाइस को आप अलग अलग मोड जैसे फोटो, वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स एंड पैनोरामा के लिए यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी आप अलग अलग तरह से इस डिवाइस को सेट कर सकते हो। जैसे फोटोज के अंदर आप एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन कर सकते हो, मतलब 16:9, 4:3, कौन से रेशियो में आप फोटोज लेना चाहते हो। और इसके साथ आप सेल्फ टाइमर सेट कर सकते हो, जैसे 2 seconds, 3 seconds, 7 seconds, जिसके मदद से आप ग्रुप सेल्फीज वगैरह, ग्रुप फोटोज वगैरह आराम से खींच पाओगे। वीडियोस के अंदर आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, 4K रिजोल्यूशन, 2.7K एंड AZ रिजोल्यूशन मिल जाता है, जिसके साथ आप अलग अलग फ्रेम रेट्स यूज कर सकते हो, जैसे 25, 30, 50, 60। इस तरह से आपके जरूरत के हिसाब से आप अलग अलग फ्रेम रेट्स में वीडियोस शूट कर सकते हो। स्लो मोशन में आप 4x स्लो मोशन शूट कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको दे देती है। टाइम लैप्स के अंदर आपको मोशन लैप्स, हाइपर लैप्स, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाता है। पैनोरामा में आपको दो ऑप्शंस मिल जाता है, 180 डिग्री एंड 3:3। 180 डिग्री में ये कैमरा 3 फोटोज शूट करेगा और 3:3 में 9 फोटोज लेगा एक ही साथ। नीचे की तरफ आपको ये चार ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है रीसेंटर का, जिसके मदद से आप कैमरा को रीसेंटर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है रोटेशन का, आप अगर इस डिवाइस को यूज करके व्लॉग वगैरह शूट करना चाहते हो तो उस केस में आपको इस ऑप्शन को यूज करना होगा, जहां पे कैमरा आपकी तरफ होगा और आप इस छोटे से स्क्रीन में देख के आप व्लॉग शूट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है फॉलो का, इसमें दो ऑप्शन है, स्लो फॉलो एंड फास्ट फॉलो। जनरली आप स्लो फॉलो यूज करते हो, लेकिन अगर आप इस डिवाइस को लेकर रन करोगे उस केस में आपको फास्ट फॉलो मोड यूज करना होगा। उसके अलावा इस डिवाइस में आपको तीन अलग अलग ऑप्शंस मिल जाता है। सबसे पहला है टिल्ट लॉक, जहां पे कैमरा आपका हॉरिजॉन्टली लॉक हो जाता है। आप डिवाइस को किसी भी तरह से मूव करोगे लेकिन आपका कैमरा जो होगा वो हॉरिजॉन्टली लॉक होगा। नेक्स्ट है फॉलो मोड, जहां पे कैमरा आपके हैंड मूवमेंट को फॉलो करता है। आप देख सकते हो कैमरा आपके मूवमेंट को फॉलो करता है, जिससे एक सीन में एक ईज क्रिएट होता है, एक सॉफ्ट सा आपका मूवमेंट आपको दिखाई देगा। थर्ड है FPV मोड, जिसको नॉर्मली ह्यूमन आईज जिस तरह से देखते हैं उस तरह से चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है।
लेफ्ट हैंड साइड में आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपने जो फोटोज एंड वीडियोस क्लिक किया है उसको आप रिव्यू कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स मिल जाता है, जहां पे आप ब्यूटिफिकेशन मोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। सेटिंग्स के अंदर आप डिवाइस को कैलिब्रेट कर सकते हो, ऑटो पावर ऑफ का टाइम सेटअप कर सकते हो, एंटी फ्लिकर ऑन कर सकते हो एंड जो कीपैड का टोन है उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो फोकस कंटिन्यूअस एंड ऑटो फोकस सिंगल का ऑप्शन आपको मिलेगा। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप अलग अलग तरह से वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा इस डिवाइस के साथ आपको प्रो मोड मिल जाता है, जहाँ पे इस डिवाइस का शटर स्पीड एंड वाइट बैलेंस आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो और एस लॉग में भी आप वीडियोस को शूट कर सकते हो, जो कि आपको कलर ग्रेडिंग में काफी हेल्प करेगा। इस डिवाइस का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका ऑटो ट्रैकिंग मोड, जहां पे ये सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। इसके लिए आपको सब्जेक्ट के ऊपर डबल टैप करना होगा। जैसे ही आप डबल टैप करोगे इसका ऑटो ट्रैकिंग मोड ऑन हो जाता है एंड उसके बाद सब्जेक्ट जहां पे भी मूव करेगा ये कैमरा उसको ट्रैक करेगा। इस डिवाइस में बैटरी इनबिल्ट होता है एंड डिवाइस एक डिसेंट बैटरी बैकअप आपको दे देती है, जिसके मदद से आप 1 to 1.5 आवर्स का वीडियो आराम से शूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को ज्यादा समय के लिए यूज करना चाहते हो तो उस केस में आपको आपके पावर बैंक को इस डिवाइस के साथ इस तरह से कनेक्ट करके रखना होगा एंड उसके बाद आप फ्रीली इस डिवाइस को कहीं भी कैरी कर सकते हो एंड पूरे दिन के लिए आप इस डिवाइस को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि इस डिवाइस का क्या क्या ड्रॉबैक है। इस डिवाइस में कोई भी इनबिल्ट स्पीकर नहीं है, जिसके कारण इस डिवाइस में शूट किया गया वीडियोस का साउंड क्वालिटी आप इस डिवाइस में रिव्यू नहीं कर सकते हो। इसके लिए डिवाइस को आपको एक मोबाइल के साथ कनेक्ट करना होगा। दूसरा ड्रॉबैक है ऑटो फोकस, जो कि इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता है एंड कभी कभी मिस करता है। और क्योंकि इस डिवाइस का स्क्रीन साइज बहुत छोटा है तो इसीलिए कभी कभी आपके फोकस पॉइंट को सही से कैप्चर करने में आपको दिक्कत आ सकती है। थर्ड है बोके इफेक्ट। इस डिवाइस के साथ आप DSLR क्वालिटी का बोके इफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसका मेन रीजन यही है कि इस डिवाइस का जो सेंसर साइज है वो एक DSLR के सेंसर साइज से काफी छोटा है। फोर्थ इशू है हीटिंग इशू। अगर इस डिवाइस को आप हाई रिजोल्यूशन में एंड हाई फ्रेम रेट में, मतलब कि अगर 4K में एंड 60 FPS में ज्यादा समय के लिए यूज करोगे तो ये डिवाइस थोड़ा सा हीट होने लगता है। ओवरऑल ये डिवाइस फीचर पैक, कॉम्पैक्ट, हैंडी एंड बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, जो कि एंट्री लेवल के वीडियोग्राफर्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगर आप एक व्लॉगर है तो डेफिनेटली इस डिवाइस को यूज करके अलग अलग क्रिएटिव वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन इस डिवाइस को आप प्रोफेशनल वीडियो शूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये DSLR क्वालिटी के बोके इफेक्ट आपको नहीं देगा, जो कि प्रोफेशनल वीडियो शूट करने के लिए या फिर वेडिंग वीडियोस वगैरह बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस डिवाइस को आप एक एड ऑन गियर की तरह यूज कर सकते हो अपने मेन DSLR के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप जान पाए होंगे कि क्या ये डिवाइस आपके लिए यूजफुल है, क्या इस डिवाइस में आपको 30-32,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। इस डिवाइस के ऊपर और वीडियो में फ्यूचर में लाऊंगा, जहां पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का वीडियोस फोटोज ये डिवाइस ले सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।